खबर पोहरी विधानसभा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आज बसपा प्रत्याशी प्रद्युमन वर्मा द्वारा पोहरी विधानसभा क्षेत्र के बैराड़ और पोहरी नगर में हजारों की संख्या में बसपा प्रत्याशी प्रद्युमन वर्मा ने समर्थकों के साथ एक अलग ही अंदाज में जबरदस्त जनसंपर्क किया गया। इस जनसंपर्क की खास बात यह है कि अलग ही अंदाज में बीएसपी प्रत्याशी प्रद्युमन वर्मा द्वारा बैराड़ में कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसके बाद उन्होंने जनसंपर्क करते समय जनता के बीच फूलों का हार पहनाकर खुद को सम्मानित ना कराते हुए जनता को फूल माता का हार पहनाकर सम्मानित किया। ये एक अलग ही अंदाज देखने को मिला और हजारों की संख्या में जनता द्वारा बढ़ चढ़ कर साथ देते हुए समर्थन दिया गया, जिसने आगामी विधानसभा चुनाव का समीकरण पूर्ण रूप से बदल दिया। जनसंपर्क के दौरान भीड़ उतनी संख्या में इकट्ठी हो गई कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी, फिर भी समर्थकों ने अपने प्रत्याशी का मनोबल बढ़ाने के लिए जोरदार भव्य स्वागत और हजारों की संख्या में इकट्ठी भीड़ को देखकर प्रत्याशी प्रद्युमन वर्मा भावुक हो गए। पहली बार आप पोहरी में आए हैं और आज जनसंपर्क किया है, कार्यालय का भी उद्घाटन किया है, कितना समर्थन मिल रहा है जनता का? अब आप देख रहे हैं जनता ही चुनाव लड़ रही है, जनता ही प्रत्याशी है और जनता ही चुनाव लड़ रही है। ये आपको सब दिख रहा है कि कितनी संख्या बन रहे हैं, मैं उसके मुझसे बोलूँगा नहीं। किन वादों को लेकर जनता के बीच पहुँच रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि पिछले 10 साल में आप ये देखिए कि अपना एक सरकुला डैम कितनी बार उद्घाटन हो चुका है, किन किन लोगों ने उद्घाटन की बोल चुके हैं, क्या काम हुआ है धरातल पे, क्या नहीं हुआ। हम आए वो पूरा करने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि हो जाए पूरा।